क्या रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, लड़की को बैठ जाने दे, हाँ बैठ जाने दे। लड़की जब बीच में खाली जगह मत रखा करो लोग, बगल में खाली जगह किस लिए है अभी, और थोड़ा सा मोबाइल लेके आओ, इधर वहां देख रहा है कि लड़की बैठ रही है सब के पास, तुम फोटो कौन सी का खींच रहा था क्या? हाँ तो घर से फोन आएगा तो खान सर के सामने देखा, क्लास रूम है कि तेरा घर है रे? एडमिशन स्लिप कहाँ है? मोबाइल उधर जमा करो, निकल। क्लासरूम को क्लासरूम रहने दीजिए, घर मत समझिए, ठीक है? सब चीज का एक जगह होता है। इनके घरे से कॉल आएगा, वीडियो कॉल, तो क्लासरूम दिखाएंगे इनको, नौटंकी बना के रखे हैं, घर वाला पढ़ने भेजा इनको। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताया था बाबू? असम राष्ट्र। हम नहीं चाहते किसी को डांटे बोले, लेकिन कुछ कुछ लड़का मजबूर कर देता ना। क्लासरूम का है, इतना लड़का जब जगह देखता है तो उसको लगा और भीड़ बढ़ जाएगा, हमारे पास भीड़ बढ़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास भीड़ ना बढ़े, समझ में आया? कई को बैच, मैप का बैच खत्म, आधा निकल गया, आप देखे होंगे एक बार यूट्यूब पे बोले तक नहीं है मैप के बैच के बारे में, बैच खत्म हो रहा है, आपका पूर्वोत्तर राज्य स्टार्ट हो गया, कभी बोले यूट्यूब पर कि मेरा बैच है मैप का, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ बैठाएंगे हम, जगह नहीं है ना, सर्वर पे जगह है ना यहाँ जगह, उस पर से फोटो खींचेगा लोग और उसमें नौटंकी। एगो अपने इंसान परेशान रहता है कि जो पढ़ने वाला लड़का है उसको नहीं पढ़ा पाता आदमी जगह के वजह से, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, उसके बाद इन लोग की नौटंकी लगी रहती है, और देख रहा है कि लड़की बैठ रही है सब, और उसके आगे इनको इनके घरे से फोन आया, अगर पता नहीं क्या घर वाले भी कैसे होते हैं सब जी इसे के। अच्छा घर वाला क्या सोच के किया होगा कि पढ़ा रहे हैं तुम वीडियो कॉल पे, देखो उनको नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा। मोबाइलवा यही है उसका, उसका नंबर निकाल के यही लिख दो जिसे बतिया रहा था, सरकारी संपत्ति हो जाएगा, कोनो लेके चल जाएगा, ओके बाद ओके घर वाला देखेगा तो अलगे बोली सुनाएगा उसको, जिसको बतियाते देख लिए हम यहाँ पर क्लास में, जोना से बतियाएगा या जोना से बतियाएगी उसका नंबर लिख देंगे यहीं पे। हाँ नहीं फोन उठा सकते हो क्लास में तो, और पापा का फोन आएगा तो बोल देना क्लास में थे, चल चुपचाप रहो अलग, इतना बड़का तुम्हारे इमरजेंसी में फोन आता है, चलिए बाबू। इससे पहले के राज क्लास में हम आपको कहां तक बताए थे? सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में कितने? पूर्वोत्तर में जैविक शहर, जैविक शहर, जैविक शहर, जैविक राज्य, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इधर से बोलो लो, इधर से बता लो बकले लिया सब, इधर से सब, दूसरा जैविक राज्य पूरा बकलो लिया है सब कि नहीं है सब, इधर से बकलोलवा बताएगा, मिजोरम, हम बोले थे आतर दे दे के बैठने के लिए, होशियार बकलोल, होशियार बकलोल, चार एक के जगह बकलोल बैठ गए, बताओ
मिजोरम बोली थी वो? तब ठीक ही होगा, तब सही हो, तब बोले तो लोग तो सही है। ये कोने काम का बोले कि यहाँ सुनाइबे नहीं दिए। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। आप लोग को मेटेरियल मिल गया है? मेटेरियल सब लोग ले लेंगे, पीडीएफ आप लोग को मेटेरियल का अपलोड कर दिया गया है, जितना चीज बताए हैं इसमें लिखा हुआ है। इसमें कुछ सादे मैप भी हैं, आपको अपने अंदाज से उस सादा मैप को क्या करना है, भरना है। जैसे यहाँ हम तो एक भरा हुआ है, जैसे यहाँ सिक्किम है, देखिए सिक्किम में एक भरा हुआ है एक सादा है, तो इसको पहले एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, सादा अपने हाथ से भरिएगा। जैसे पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ क्या हुआ है, भरा हुआ नक्शा है, यहाँ पे कहीं कहीं क्या है, खाली है उसको, तो जहाँ जहाँ आपको भरने के लिए मिले वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, भर देना है। प्रैक्टिस सेट के लिए जरूरी है ये चीज़ें, प्रैक्टिस के तौर पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैप में उतना ज़्यादा सही रहेगा। ये राज्य कौन सा है भैया? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के एकदम बीचों बीच में है, मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच में आ जाता है मध्य प्रदेश। स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बाबू, हल्का सा एक आध सेकंड के लिए कभी कभी ब्लैक हो जाता होगा, कंटिन्यूअस ब्लैक नहीं रहेगा, एक आध सेकंड के लिए हो जाता है, उसका प्रॉब्लम एक आध दिन में सही होगा, मंडे से पहले सही नहीं होगा उसको। ये HDMI का प्रॉब्लम होता है, केबल का, HDMI केबल का ये बहुत बड़का प्रॉब्लम। चलिए देखिए, ये राज्य कौन सा हो गया भैया? कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के एकदम कहाँ आता है? बीचों बीच में आता है मध्य प्रदेश। पहले बहुत बड़ा था, इसी से क्या टूट गया? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या टूटा? छत्तीसगढ़। तो पहले हम लोग पॉलिटिकल पार्ट देखा जाए कि फिजिकल? पहले पॉलिटिकल देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे? फिजिकल देखेंगे। ऐसा हिसाब से बोलता है तो जिसे लगता है कि सबका बतिया हम मानिए लेंगे, हम पहले पढ़ाएंगे पॉलिटिकल ही, लेकिन बस इस तरह से पूछ देते हैं कि पहले क्या लगे, थोड़ा सा आप लोग को लगे कि सर कितना मानते हैं हम लोग को। समझा गया? हम जानबूझ के करते ताकि आप लोग का धीरे धीरे दूसरे के दिलासे से भरोसा उठ जाए, ताकि आप लोग कहीं और ना ठगा सके। समझा गया कि नहीं आ गया? समझा गया? तो हम कहाँ तक सोच, तुम लोग के लिए कितना सोचते हैं? कभी किसी के दिलासे पे भरोसा, लड़की लोग के लिए एकदम जरूरी है, नोट करके लिख लेना ये सब चीज पर, खास करके ये सब पे तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए हम ये गदाकर है, BPSC का कट ऑफ कितना रहेगा? अजब वाले यार, बताओ मैं रद्द हो गया, एग्जाम एग्जाम लेके आई, जरे पे नमक छिड़क रहा है, कट ऑफ कितना रहेगा? चलिए ध्यान देते हैं, इसको क्या हो गया जी, ऑन ऑफ क्यों हो रहा है ये इतना? देखिए ये मध्य प्रदेश जो है, इसका हम लोग पहले फिजिकल ना देख के पहले पॉलिटिकल देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे इस साइड में देखिएगा सिंगरौली मिलेगा, छत्तीसगढ़ के पास सिंगरौली, छत्तीसगढ़ से सट के सिंगरौली है। कौन सा जगह है? सिंगरौली है। कौन सा जगह है? सिंगरौली है। कौन सा जगह? सिंगरौली। मिल गया सिंगरौली? बफरिंग हो रहा होगा बाबू, थोड़ा सा जल्दी सही हो जाएगा ये भी एक आध। सिंगरौली जगह है। कौन सा जगह है? सिंग। अब आपको भी पता है छत्तीसगढ़ और झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये उससे सटा है तो ये भी कोयला होगा। यहाँ जो कोयला मिलता है ना, छोटा छोटा नहीं मिलता, बड़का बड़का एकदम चेक का। समझा गया कि नहीं? सबसे मोटे कोयले की परत कहाँ मिलती है? कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। मध्य प्रदेश के कोयले की मोटी मोटी चट्टाने सिंगरौली। कहाँ पे? सिंगरौली। मध्य प्रदेश यानी सिंगरौली में सबसे ज्यादा कोयले की मोटी परत सिंगरौली। सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है रानीगंज, रानीगंज से। कहाँ पे? रानीगंज। कहाँ से? रानीगंज के कोयला के खदान सबसे ज्यादा, क्योंकि वहीं पे फैक्ट्री है, अगल बगल में आसनसोल, दुर्गापुर, चितरंजन, ये सब जगह वहीं पे है सब यहाँ पे। तो ये सिंगरौली समझ में आ गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, UPSC ने पूछा था, सबसे मोटी कोयले की परत झरिया, रानीगंज, बोका, दुर्गापुर और सिंगरौली, सब कोयले क्षेत्र दे देगा आपको, तब कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा आपको। इसके बगल में देखिएगा खजुराहो, रीवा मिलेगा, रीवा के लिए मतलब बड़ा शहर है, बस उसके बगल में कौन सा है? खजुराहो। नहीं मिला? रीवा के बगल में खजुराहो, रीवा वहां का एक प्रमुख शहर है। अब हर शहर को आप पढ़ते चलिएगा तो हो गया आपको। नहीं मिला?
थोड़ी दूरी पर मिलेगा क्या जी, खजुराहो, खजुराहो के पास देखिए पन्ना, खजुराहो के पास क्या मिलेगा पन्ना, खजुराहो के नीचे देखिए पन्ना, खजुराहो के नीचे पन्ना। देखिए खजुराहो हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर भी है और खजुराहो का विष्णु भगवान के लिए भी मंदिर है, शिव भगवान का भी है, तो हिंदू धर्म के लिए भी है और जैन धर्म के लिए। कौन सा जगह, खजुराहो, कौन जगह, खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव खजुराहो, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव। महादेव किसका नाम है, भोलेनाथ का, शंकर भगवान का है। पन्ना किस लिए, हीरा के लिए, पन्ना हीरा के, पन्ना स्किन भुकभुकाने लगा देती स्किन, आज बड़ी दिक्कत है टेक्निकली, पूरा दिन ही गड़बड़ है ना, आज पूरा दिन ही गड़बड़ हो गया, सुबह ही से आज गड़बड़ हो रहा है। अब इसको क्या किया जाए, देखिए ध्यान से, खजुरा पन्ना किस लिए भाई, हीरा के, पन्ना कहाँ है, पन्ना पहुंचो, मिल गया पन्ना, पन्ना के जस्ट नीचे देखिए जबलपुर, पन्ना के नीचे जबलपुर, मिल गया। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर। आर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, जबलपुर, मतलब गोला बारूद का कारखाना जबलपुर, मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री जबल, मिलिट्री की जितनी गाड़ियां वगैरह बनती है ना चेन्नई के पास आवाड़ी में बनती है, वहां तो टैंक वगैरह बन जाता, अरे तो कहाँ बनती है, जबलपुर में। आप देखेंगे जो दानापुर के एरिया में जाएंगे ना तो आर्मी जो चलती है ट्रक पे चलती है, बड़का ट्रक पे, अब 4x4 रहेगा ट्रक वा, बहुत हैवी, अगवा लिखा रहेगा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, पढ़े कभी, तो कहाँ बनी रहती है, जबलपुर में, कहाँ पे, जबलपुर। स्क्रीन को क्या हो गया जी, हाँ जब पढ़ाते हैं तो, अच्छा जब बोलते हैं तभी ज्यादा हो जाता है, देखो अब नहीं बता रहे हैं तो नहीं हो रहा है, हाँ? आज बड़ी गड़बड़ा गया यहाँ पे, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी पढ़ाएंगे तो जब भुकभुकाने लगेगा। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है, फिर हो, देखो अभी तक नहीं हो रहा, अभी होने लगे, देखो अब नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अभी जैसे पढ़ाएंगे तो हो जाएगा। व्हीकल फैक्ट्री का, इसको हुआ क्या है जी, अजीब हो गया ये। देखिए व्हीकल फैक्ट्री कहां पे है, फिर हो गया, हाँ रिकॉर्डेड में भी ना, वो पहले इधर से रिसीव करेगा जो डाटा वही ना करेगा, वही ब्लिंक हो रहा था, रिकॉर्डेड में भी ब्लिंक करने लगेगा, ये तो और दिमाग लगाती है सब। चलिए इसी पे कब देखा जाए आप कैसे भी करके। जबलपुर में क्या चीज है, व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री। जबलपुर से आप इस साइड में देखेंगे पूरब साइड में कटनी, मिल गया कौन सा जगह, कटनी थोड़ा सा ऊपर में है, हल्का सा ऊपर में मिले, कौन सा जगह, कटनी, मिल गया कटनी, रेलवे का बहुत बड़का यहाँ डिवीजन है, कटनी डिवीजन रेलवे का, कटनी। इंजन उंजन पे देखिएगा लिखा रहेगा कटनी, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन जगह, कटनी। ले पूरे काला हो गया, ये तो पूरा काला हो गया, आ गया फिर वापस, आज बहुत डिस्टर्ब हुआ जी। जगह कौन सा हो गया भाई, हुई है कटनी, मिल गया कटनी। कटनी किस लिए, रेलवे के लिए, बहुत बड़ा यार्ड है कटनी वगैरह में। कटनी से एकदम कोना में जाके देखे छत्तीसगढ़ के सट के एकदम अमर कंटक,
एकदम छत्तीसगढ़ से सट के अमरकंटक मिल गया। कौन सा जगह है? अमरकंटक। अमरकंटक के पास से तीन नदियां निकलती है, ध्यान से देखिए। अमरकंटक से कितनी नदियां? तीन। मेरी ओर देखिए, ऊपर में सोन, इस साइड में महानदी, इस साइड में नर्मदा। सोन, महानदी, नर्मदा, अमरकंटक, कितनी नदियों का, कितनी नदियां अमरकंटक से, कितनी नदियां? तीन नदियां निकलती हैं। कहां से? अमरकंटक से निकलती है। कितनी नदियां? तीन नदियों का उद्गम है। जगह कौन सा? अमरकंटक। ये धार्मिक जगह भी है अमरकंटक, जहां नदी उदी निकलती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? धार्मिक जगह हो जाता है वहां पे। किसी को दिक्कत? तीन नदियों का स्रोत अमरकंटक, इसके बगल में ये जगह कटनी, इधर वाला जबलपुर, ये जगह जबलपुर, ये हीरा के लिए पन्ना, महादेव मंदई, हाँ खजुरा, कंदरिया महादेव खजुरा, सिंगरौली किस लिए? मोटा कोयला, मोटा कोयला, मोटा कोयला। किसी को दिक्कत? कोयले की मोटी परत के लिए, कोयले की किस परत के लिए? कोयले की मोटी परत के लिए। कौन सा जगह है? सिंह रावली। यहाँ पे जबलपुर मिल गया, जबलपुर के आगे भोपाल, जबलपुर के आगे भोपाल मिल गया। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, 3 दिसंबर की रात 1984, यानी 4 दिसंबर, 4 दिसंबर हो जाएगा, 3 दिसंबर की रात करिएगा तो ऑटोमेटिक 12:01 बज जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से निकल गई, और वहाँ यह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जल से क्रिया कर ली थी, क्योंकि उस फैक्ट्री में रख रखाव अच्छा नहीं था, वाटर लीकेज थे, वहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कह रहा था कि मेंटेनेंस कीजिए, लेकिन फैक्ट्रियाँ मेंटेनेंस नहीं करा रही थी, क्योंकि काफ़ी ह्यूज खर्चा जाता है मेंटेनेंस पे, फैक्ट्री का मेंटेनेंस कराने पे कम से कम 3-4 करोड़ रुपया लग जाएगा। तो कंपनी छोड़ी है, हटाओ ना, चल रहा है जब तक चलने दो। उसी में एक पाइप, वाटर पाइप लीक कर गया, और थोड़ा ज़्यादा नहीं, 8-10 बूंद पानी टपका था किसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइड में। तब तक वो क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन करके ब्लास्ट कर दिया, और जैसे ब्लास्ट किया मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पूरी हवा में फैल गई। रिकॉर्ड के हिसाब से तो 4,000 लोग मरे थे, रिकॉर्ड के हिसाब से ज्यादा। अब हम अपने बात बताते हैं। एक बार एक कृषक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक जगह है, वहीं पर जहाँ चौरी चौरा था, एक चौरी चौरा एक्सप्रेस थी, एक तो कोई कृषक एक्सप्रेस, ऐसे करके दो एक्सप्रेस ट्रेन थी। आज से लगभग 6-7 साल पहले स्टेशन पे लड़ गई थी, थोड़ा दूर गोरखपुर स्टेशन का जनरल बॉगी 3 टन हाइट का फेंका गया था, लास्ट का 3 टन जनरल बॉगी ये फेंका गया पूरा लड़के। अब जनरल बॉगी में कौन टिकट कटाया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, क्योंकि पैसा दिया टिकट मिल गया, रिजर्वेशन वाले का रिकॉर्ड होता है, क्या चीज़ कि भाई किसके नाम पे है क्या नहीं यहाँ पर। तो जितने रिजर्वेशन से जो लोग घायल हुए थे उनका रिकॉर्ड आया, रिजर्वेशन में 2-4 लोग मरे थे उनका आया, बाकी जनरल वाला गायब, पते नहीं चला वहां पे। जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे सामने मारा 3 बोगी उदी आ गया, ट्रेन का टक्कर बहुत खतरनाक होता है, कोई पता नहीं। तो सरकारी रिकॉर्ड ओरिजिनल रिकॉर्ड से हमेशा क्या रहता है? डिफर रहता है। कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग मरे जिनको हम लोग को पता है कि मोहल्ले में मरे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं है। तो सोचिए अगर सरकार का रिकॉर्ड है 3600 यानी 4000, तो ओरिजिनली कितने लोग मरे होंगे? बहुत ज्यादा लोग मरे थे इसमें वहाँ पे। और आज भी उन लोगों को सरकार पेंशन देती है, जो बच गए लोग इतने बुरी तरह से अपाहिज हो गए कि कुछ नहीं कर पाते। किसी को सांस का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, अलग अलग टाइप का क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ों को, मतलब ये वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे गैस निकली, अब उसके बाद केस चलने लगा उस कंपनी के ऊपर। एंडरसन उस कंपनी के मालिक थे, 1984 का मामला था, केस चलता गया, एंडरसन मर गया 2015-16 में। तब तक कोर्ट कह रही है कि भले एंडरसन मर गया हो लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। बाहरे न्यायपालिका, वाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना ज्यादा झमेला हो सकता है। तो हमारी न्यायपालिका व्यवस्था क्या है? बहुत ही थोड़ी धीमी व्यवस्था है, बहुत धीमी। और हो भी क्यों नहीं, थोड़े से जजों के ऊपर पूरा भयानक का पूरा क्या दे दिया गया? लोड दे दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो ये जगह बोलिए तो अमरकंटक, आइए भोपाल। यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रस्त दी हुई थी। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया?
अरे छोड़िए, आ जाइए बहू, क्या आइए, ए उसको आने दीजिए, आ जाइए बहू, आ जाइए ना, क्या दिक्कत हो गया, अरे उसको आने दीजिए बाबू को, आने दीजिए, आइए आ जाइए, भेजिए ना उनको, भेजिए आइए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, लाओ ना उनको, अरे कुछ का, हाँ स्ट्रीमिंग रोक रहे हैं बाबू, स्ट्रीमिंग बाबू, आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, आ जाइए बाबू, अरे रुको रुको, अरे रुको, रुकिए बाबू, क्या दिक्कत है बाबू, अरे बाबू क्या दिक्कत है बताए, अरे रुको रुकिए रुको, अरे हम बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे, ए रुको रुको, ए हटो ना, हम हटो हटो बाबू, बाबू 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 बाबू, हाँ बाबू हम समझा देंगे, हाँ आप लोग चुप, आप तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, जाओ बाबू जाओ, भेज भेज, ए तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, जाओ चलो जाओ बाबू, क्या हो गया, हाँ 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 बाबू, आप पढ़ने आए हो, ए बेवकूफ चलो अंदर चलो, ए सुमन रुक, रे सुमना रे चला, आवाज दे माइक का बाबू, बाबू आप चले, सुनो क्या दिक्कत हो गया बताओ, सुनना अरे बाबू आप लोग इतने संस्कार है, आप लोग इतने संस्कारी बाबू, सुनिए बाबू क्या दिक्कत हो गया बताइए, आप तो पुराने, आप पुराने क्या बात कर दिए यहाँ पे, ए तुम लोग अंदर अंदर रहो, तुम लोग क्लास रूम है बाबू, हम क्लास छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अंदर रहो, रुक जाओ, अरे बाबू आवाज है ना, आप लोग अब क्यों, आप लोग शांति से बैठे, स्ट्रीमिंग बंद करना है इसका, लाइव वाले लोग थोड़ा